So now we are going to understand the concept of this property binding. Property binding क्या होती है? Property binding in simple term is defined as updating the value of your variable in component or you can say your model and displaying it in the view presentation layer. तो आपकी model को logic layer भी बोलते हैं और आपकी जो view रहेगा उसको हम presentation layer बोलेंगे. तो आपकी जो logic layer होती है कौन सी होती है? आपकी टाइप स्क्रिप्ट वाली. ओके, और जो आपकी व्यू वाली होती है लेयर, ये आपकी कौन सी होती है? डॉट एचटीएमएल. ओके, तो इसी का एक डेमो करते हैं. तो जो लास्ट टाइम अभी हमने एक ये बनाया था माई लॉग इन कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल, इसी में आई एम गोइंग टू मेक अ हुआ. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस लॉजिक डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस, दिस इज माई मॉडल. ओके, तो इसका एक बार मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ. तो यहाँ पर लेट्स से अगर आप कोई वेरिएबल बनाओ, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, माई नेम इज इक्वल टू. तो यहाँ पर विद इन योर एक्सप्लोर क्लास यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल. अब इस वेरिएबल को अगर आपको बाइंड करना हो अपने व्यू के साथ, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ योर एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक एच टू यूज कर लेता हूँ एंड विद इन दिस एच टू आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा बाइंडिंग या प्रॉपर्टी बाइंडिंग. तो यहाँ पर जो मेरा डेटा का नाम है वेरिएबल का, वो है मेरे माई नेम. तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक्सप्रेशन में माई नेम. ओके, इसको अगर मैं कंट्रोल एस करूँ, तो यहाँ पर एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल में इसकी ऑलरेडी डेफिनेशन दे चुका हूँ कि इस वाले को आपको कॉल करना है. तो यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया फर्स्ट नेम. माई नेम मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था अपने पहले वाले इस वाले कंपोनेंट के अंदर, वो ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया इसका फर्स्ट नेम. सो अभी यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपका जो भी आ रहा होगा वेरिएबल का नेम यश. Now within this I'm going to make a use of an another tag. एक मैं इमेज एस आर सी टैग आपको यूज करके इसमें दिखाता हूँ और उसे कितने मल्टीपल वेज होते हैं यूज करने के, ये भी मैं आपको बताता हूँ. सो विदिन दिस ऐप कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल, इसका मैं क्लोज कर देता हूँ. जो मेरी फाइल है वो है आपकी माई लॉग इन कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल. नाउ विदिन दिस माई लॉग इन कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन इमेज टैग. ओके, और यहाँ पे लेट्स से एक मैं सोर्स दे देता हूँ, तो उस सोर्स के लिए मैं एक यू आर एल से कोई भी इमेज कॉपी कर लेता हूँ. तो यहां से एक मैं रैंडमली एक इमेज ले रहा हूँ, एसवीजी डॉक्यूमेंट चल जाएगा. तो मैंने ये एक वाली इमेज ले ली एंग्रेड सी एल आई वाली. सो नाउ विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस सोर्स. यहाँ पे मैं एक बार इसको एक इसका मैं लिंक एड्रेस कॉपी करता हूँ, यार शायद ये वाला ना हो जाए. सो लेट्स से मैं इस इमेज एड्रेस पेपर में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका सोर्स कर देता हूँ पेस्ट. कुछ काफ़ी बड़ा सोर्स है, इसको अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसमें किस किस मल्टीपल वेज में हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये मेरी इमेज बनी हुई
आ गई। तो मैं इसकी एक बार हाइट और विड्थ भी सेट कर देता हूँ, तो ज़्यादा बड़ी बनी हुई आ रही है। तो लेट्स से मैं एक बार इसकी हाइट और विड्थ एक बार सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ही मेरी इमेज आ गई है। सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस हार्ड कोर की मेरे को यहाँ पर लिखना पड़े आई वॉन्ट टू बाइंड दिस यू आर एल। सो मैं यहाँ से एक बार इस यू आर एल को कर लेता हूँ कॉपी। मैंने इस यू आर एल को कॉपी कर लिया एंड विद इन दिस माई लॉग इन डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ माई इमेज के नाम से एंड विद इन दिस माई इमेज आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस यू आर एल। मैंने यहाँ पर ये यू आर एल पेस्ट कर दिया। अब आप इसमें बाइंड किस तरीके से करोगे, माई कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में आके एंड यहाँ पर सोर्स में यू विल गोइंग टू राइट हियर इमेज जो आपने वेरिएबल लिया था माई इमेज के नाम से। मैंने एक वेरिएबल लिया चेक कर तो लेट्स से मैंने माई इमेज के नाम से यहाँ पर वेरिएबल लिया, ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया एज इन अ सोर्स। तो कंट्रोल एस अगर मैं करूँ एक बार मैं इसको ऊपर एक बार कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसमें। अभी वाली इमेज मेरी आ रही है कंस्ट्रक्टर से, अगर मैंने एक बार ऊपर कॉपी किया तो ये आ रही है। तो मैं देख लेता हूँ स्टार्टिंग में किसको स्टार्ट, ठीक है। ऑन इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पर एक ये वेरिएबल दे दिया, तो जैसे ही इनिशियलाइज होगा दिस वेरिएबल विल गेट एग्जीक्यूट और यहाँ पर आ जाएगा आपका माई इमेज। अब लेट्स से और कौन कौन से तरीके होते हैं कि आप इस तरीके से आप बाइंड कर सकते हो। अगर मैं कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहा तो स्टेप नंबर वन मेरा ये कि यहाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ यूज ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिर हम इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार बी आर टेक देता हूँ एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इमेज सोर्स। एक बार मैं इसी में एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरे ऊपर वाले को। यहां से मैं ये हटा देता हूं एक्सप्रेशन, और अब आप सोर्स को पास कर देना इसको एक ब्रैकेट्स में। इसको अगर मैं सेव करूं सो विल गेट दिस टू इमेज। तो डेटा बाइंडिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपने सोर्स को क्या बना दिया एज अ डेटा बाइंड, और इस पे तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसे ही कहते हैं एक्चुअल में। एक और जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है वो किस टाइप की होती है, लेट्स से मैं इसी को एक बार कॉपी कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ बाइंड हाइफन एसआरसी। ओके, तो ये बाइंड कर रहेगा किसके साथ, जो भी आपने माई इमेज का एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो यहां पर अगर मैं इसको करूं कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करें सो विल गेट थ्री इमेज राइट, तीन इमेज हमारे पास आ जाएंगी इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके प्रॉपर्टी बाइंडिंग का।